हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पटेल्स किचन। और आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी। मैं बहुत दिनों से शेयर करना चाहती थी बट आज फाइनली कर दिया। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स, 300 ग्राम मैंने चिकन ले लिया है, बोनलेस मीडियम साइज़ के कट कर लिए हैं। मैंने 50 ग्राम दही ऐड कर दिया और रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून ले लिया है। मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर यूज़ किया है। ये चिकन टिक्का मसाला है, 2 टेबल स्पून यूज़ किया है। और अदरक लहसुन और ग्रीन चिलीज मतलब हरी मिर्च मैंने साथ में ही पीस लिया था, वो 1 टेबल स्पून डाल दिया। और नमक 1/2 टी स्पून डाल दिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए। और मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल यूज़ करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है और मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ऑरेंज रेड फूड कलर, तो थोड़ा अच्छा सा कलर आ जाएगा उसका रेड। अच्छे से मिक्स करके कवर करके रख देना है 2 घंटे के लिए। आप चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं बट मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सुबह में ही बना रही हूँ तो मैं 2 घंटे के लिए रख दूँगी। और जब तक ये मैरिनेट हो रहा है मैं राइस बॉईल कर लूँगी, अनियंस काट लूँगी, पटेटोस काट लूँगी और टमाटर को ग्रेट कर लूँगी, कोथमीर पुदीना सब कुछ कटिंग चॉपिंग वगैरह कर लूँगी। और देखो फ्रेंड्स, फाइनली ये जब 2 घंटे के बाद मैंने इसको पैन में ऑयल में थोड़े से ही ऑयल में उसको कुक कर लेना है, चिकन को कुछ भी नहीं करना है। और जब चिकन कुक हो जाए तब हमें कोयले का धुआं दे देना है। तो मैंने एक साइड पर कोयला गरम करने रख दिया है मतलब चारकोल, और उसके स्मोक से बहुत ही अच्छी बिरयानी बनेगी, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो मैंने ऑयल ही ऐड किया है और टिक्का रेडी है। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले अनियन फ्राई करूँगी। एक्चुअली मुझे पोटैटो फ्राई करने थे, अनियन बाद में फ्राई करने थे बट मैंने पहले अनियन डाल दिए, तो अभी अनियन फ्राई करके निकाल लूँगी, उसके बाद पोटैटो। आलू बिल्कुल ऑप्शनल है, आप नहीं ऐड करना चाहते तो मत ऐड कीजिए। तो आलू फ्राई करके निकाल लूँगी, उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी होल गरम मसाला, लौंग, दालचीनी, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची और जीरा और जावंत्री थोड़ी सी ऐड कर दी है मैंने। और उसको थोड़ी अरोमा फैलने लगे तो अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसकी अरोमा फैलने लगी सौटे हो गया, उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया टमाटर ग्रेट किया हुआ और सारे किचन के मसाले ऐड कर दिए, नमक, हल्दी पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद मैंने अनियन ऐड कर दिए, दही और बिरयानी मसाला भी ऐड कर दिया। आलू और चिकन टिक्का ऐड करके मैं उसके ऊपर ऐड कर दूँगी बिरयानी के राइस। मैंने बासमती राइस लिए है 300 ग्राम और उसके ऊपर मैंने केसर दूध ऐड कर दिया, कोरिएंडर लीव्स, मिंट लीव्स, और मैंने बटर ऐड किया है, मस्का ऐड किया है, घी नहीं ऐड किया, आप घी भी ऐड कर सकते हैं। और आप चाहे तो इसके ऊपर भी फ्राइड अनियंस ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं किया, मैं प्लेट में निकालूंगी तभी ऐड करूंगी। और मेरी बिरयानी 20 मिनट्स के बाद रेडी है, मैं इसे सर्व कर रही हूँ रायता के साथ, वेजिटेबल रायता बनाया है मैंने और उसके ऊपर थोड़े फ्राइड अनियंस ऐड कर दिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।